आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा करके कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 11 विलोम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहते हैं। ओके, विलोम मीन्स होता है एक शब्द का उल्टा, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों मैं कुछ विलोम शब्दों को लिखी हूं जो आपको पढ़ करके बताने जा रही हूं, ठीक है। देखिए ये सारे क्या है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, ठीक है। यहां लिखा है शब्द और इन्हीं शब्दों का विलोम शब्द लिखा है। तो देखिए नंबर वन, बड़ा। बड़ा आप जानते ही हैं, बड़ा। बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा होता है। बड़ा का उल्टा छोटा होता है। नंबर दो, गर्म। चाय क्या होता है? चाय गर्म होती है और कॉफी भी गर्म होता है, दूध भी गर्म होता है, ताजा ताजा खाना जो बनता है वो भी गर्म होता है, ठीक है। और ठंडा, आइसक्रीम ठंडा होता है, बर्फ ठंडा होता है, पानी भी ठंडा होता है, ठीक है। नंबर तीन, दिन। दिन का क्या होता है बच्चों? रात होता है। दिन में उजाला रहता है क्योंकि सूर्य निकला रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, रोशनी रहती है। और रात मीन्स सूर्य अस्त होता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो दिन का उल्टा रात हो जाएगा। नंबर चार, अच्छा। आप सुंदर सुंदर लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यह बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। और अच्छा का क्या हुआ? बुरा। नंबर पांच है अमीर। राजा क्या होते हैं? अमीर होते हैं। और जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो बड़े बड़े लोग अमीर होते हैं। और गरीब, अमीर का गरीब होता है। जिनके पास कम पैसे होते हैं उनको कहते हैं कि बेचारा बहुत गरीब है, ठीक है। जिनके पास नौकरी नहीं होती है, जिनके पास पैसे नहीं होते वो गरीबी होते हैं, और जिनके पास पैसा होता है, ज्यादा धन दौलत होता है, उनको कहते हैं वो अमीर है। तो अमीर का उल्टा गरीब होता है। मोटा, मोटा आप देखेंगे ना, चाहे कोई बच्चा मोटा हो, आदमी मोटा हो, सामान मोटा हो, कोई लकड़ी मोटी हो, तो मोटा का उल्टा क्या हो गया? पतला, ठीक है। जैसे एक पेड़ होता है उसका धड़ क्या होता है? मोटा होता है और उसकी टहनियां कैसी होती हैं? पतली होती हैं। नंबर सात, सच। सच मीन्स जानते हैं आप, सही बोलना। सच मीन्स किसी भी बात को जो सही है उसको बोलिए, झूठ नहीं बोलते हैं। सच का उल्टा झूठ हो गया, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। झूठ बोलना क्या है? पाप है। नंबर आठ, उल्टा। विलोम शब्द क्या होगा? सीधा। उल्टा का विलोम शब्द सीधा। मान लीजिए कि ये चेयर है, ये ऐसे है तो सीधा है, और इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आना यानी हम कहीं से आ रहे हैं, और आना का उल्टा क्या हो गया? आना, कहीं हम जा रहे हैं। आना का उल्टा जाना हो गया, ठीक है। नंबर दस, सोना। जैसे आप सो जाते हैं, ठीक है, सोना का उल्टा जगना हो गया। नंबर ग्यारह, दूर। दूर यानी वो वस्तु, कोई भी चीज है बहुत दूर है तो हम कहते हैं दूर है। और पास मीन्स यानी अपने नजदीक, पास मीन्स नजदीक होता है। नंबर बारह, सुख का उल्टा दुख होता है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, उनके पास ज्यादा रुपया पैसा होता है तो वो सुखी रहते हैं, और जो नहीं पढ़ते लिखते हैं जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो गरीब रहते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो दुखित रहते हैं। तो सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है।
नंबर 13 सुबह, सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम। शाम को सूर्य अस्त होता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सूर्य ढल जाता है, तो सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम होता है। सुबह का उल्टा शाम होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि उल्टे अर्थ वाले सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। और लिखने के बाद इसको याद भी करना है, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी टेस्ट में दो शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर मिलती हूँ।